तीन केसेस हैं आज मेरे तरफ से। रेमेडी तो ऑलरेडी डिस्क्लोज है तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। शेड्स जो है, शेड्स थोड़े अलग है, शेड्स अलग है तो रूब्रिक्स आपके थोड़े से अलग आ जाएंगे। थोड़े से नहीं मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन इज अ लिटिल डिफरेंट। तो पहला केस मैं डायरेक्टली केस से शुरू करता हूँ क्योंकि समय बहुत नहीं बचा है। तो केस नंबर वन इज अ केस ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 12 साइंस। ये हाल ही में अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने के पहले ये केस आई थी मेरे पास। तो ही हैज बीन सफरिंग विद ADHD सिंस लास्ट 1.5 ईयर। मतलब 10th स्टैंडर्ड पास हुआ है लड़का और उसके बाद से फिर धीरे धीरे ये चीजें आने लग गई हैं। तो ही वाज डायग्नोज विद ADHD बाय अ साइकियाट्रिस्ट। देन ही वाज गिवन साइकियाट्रिक पिल्स, ही वाज गिवन ट्रैंक्विलाइजर्स, आल्सो प्रोपेनोलोल दिया गया, एटीजोलैम दिया गया स्लीप इंड्यूस करने के लिए सो दैट ही कैन बी केप्ट काम। तो अभी हिस्ट्री ऐसी है, मैं केस को शॉर्ट रखता हूँ क्योंकि आई वांट टू फिनिश ऑल थ्री केसेस, मैं तीनों केस देना चाहता हूँ। तो 10th स्टैंडर्ड में इस बैच ने एक्चुअली एग्जाम नहीं दी थी, बट दिस बॉय ही एक्सीडेंटली लाइक केम आउट टू बी द टॉपर इन द 10th स्टैंडर्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट गिविंग द एग्जाम, बिकॉज किसी ने भी एग्जाम्स नहीं दिए थे। इसके स्कूल रिकॉर्ड्स अच्छे थे, इंटरनल मार्क्स अच्छे थे, इसलिए ही वॉज डिक्लेयर्ड द टॉपर ऑल्सो। एंड खास बात यह है कि इसके पहले तक ये कभी भी फर्स्ट नहीं आया था। तो ही बेसिकली केम आउट टू बी द टॉपर इन द बोर्ड एग्जाम फॉर 10th स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज स्कूल लाइफ। अभी सिंस वो एक्सीडेंटली टॉप कर लिया उसने, तो उसके माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ गई। तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई एंड उस पर काफी सारी बंदिशें लगा दी गई। ज्यादा टीवी नहीं देखना है, बाहर नहीं जाना है, एंड पढ़ाई करते रहना है क्योंकि फादर वांट्स कि बच्चे ने फिर से 12th स्टैंडर्ड में टॉप करना है। अब बच्चा इंटेलिजेंट है, मेहनती है, इंटेलिजेंट है, ही इज नॉट स्टूपिड। बट द पॉइंट इज दैट दिस बॉय इज अंडर स्ट्रेस फॉर कमिंग फर्स्ट इन द एग्जाम। सो 11th का स्टार्टिंग का समय इसका सही गया था, पहले 6 महीने ठीक ठाक थे, पर जैसे एग्जाम्स का प्रेशर बढ़ने लग गया तब से ही हैज बीन अनेबल टू राइट द पेपर्स प्रॉपरली। ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स, डर जाता है एग्जाम के पहले, डरने लगता है, पाल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं जिसके कारण इसे प्रोपेनोलॉल पर रखा गया। नींद नहीं आती है तो नींद के लिए फिर एटीजोलैम दिया गया। बेसिकली इट इज ए टोटल केस ऑफ एंजाइटी। सो देन ही फील्स वरीड दैट हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली विल बी डिसअपॉइंटेड इफ ही फेल्स टू स्टैंड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। एंड सो बेसिकली आफ्टर, मतलब जब मैंने केस लिया इस बच्चे का, तो पेरेंट्स के सामने तो फिजिकल सिम्टम्स छोड़कर कुछ बोला नहीं है बच्चा, पर जब पेरेंट्स को बाहर भेजा मैंने और फिर उसके बाद में इसका डिटेल्ड केस टेकिंग किया, एक्सप्लेन करके फिर उसको धीरे धीरे ओपन किया मैंने, तो देन व्हाट ही टोल्ड इज दैट ही डज नॉट वांट टू राइट द एग्जाम्स बट ही वांट्स टू क्विट हिज स्टडीज इंस्टेड। तो ये वाला जो चीज था ये एकदम ड्रास्टिक स्टेप मुझे लगा। और इस पॉइंट पर फिर एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए यूजुअली हम लोग एथुजा या इस तरीके की रेमेडीज सोचते हैं, बट इस केस दिस वाज वेरी पेक्यूलियर। तो लिए जो रेमेडीज लिए थे दैट वाज
एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, दूसरा रूब्रिक लिया था अंडरटेक्स नथिंग लेस्ट ही माइट फेल, तीसरा रूब्रिक लिया था एंजाइटी टाइम इज सेट इफ ए. अभी टाइम इज सेट इफ ए का मतलब क्या है, जब एक परीक्षा में समय सेट कर देते हैं कि इतने समय में पेपर लिखना है, तब इस बच्चे का हाथ आगे नहीं बढ़ता, he is not able to write, उसे डर लगने लगता है कि मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं. और ये आखिरी सेंटेंस जो उसका था कि he wants to quit his studies, तो ये वो जंपिंग आउट ऑफ द विंडो या जंपिंग फ्रॉम ए हाइट, ये वाला जो रूब्रिक था दैट वॉज वेरी एप्लीकेबल एट दिस पॉइंट. तो अभी यहाँ पर आपको सबको पता है कि रेमेडी अर्जेंटम नाइट्रिकम है. आई विल लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट कि इस बच्चे को अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया मैंने, बट इट वॉज नॉट इन 1 mm और 10 mm पोटेंसी, इट वॉज नॉट इन 30 C, सेंटिसिमल स्केल में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था, इट वॉज प्रिस्क्राइब इन LM स्केल. सो अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/1 1 डोज डेली दिया गया था फॉर 3 डेज, और उसके बाद में ये बच्चा बराबर से सोने लग गया, इसका पाल्पिटेशन कम हो गया. तो उसके बाद में फिर मैंने एटीजोलैम इसका 7 डेज में पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया. ये प्रोपेनोलॉल को विड्रॉ करने का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो था, इट टुक ए टोटल अराउंड 21 to 24 days टू विड्रॉ प्रोपेनोलॉल कम्प्लीटली. उसको हाफ किया, फिर ऑल्टरनेट डे किया, उसके बाद में फिर उसे स्टॉप किया. हालांकि अभी भी बीच में से उसे कभी कभी एग्जाम के बीच में, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके बीच में अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/1 का 3 to 4 doses गया है, बट द चाइल्ड इज रिकवरिंग वेरी फास्ट, मतलब ही हैज कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम वेरी फास्ट एंड एक्सपेक्टेडली शुड डू ए गुड रिजल्ट ऑल्सो. सो दिस वॉज अ वेरी 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 रिसेंट केस, अ कंपेरेटिवली ओल्डर केस. अभी ये सिचुएशन में आपको क्लासिकल एकदम जो हमारे को पिक्चर मिलता है कि एलिमेंट्स ऑफ एंटिसिपेशन है, देन वो ही विल नॉट अंडरटेक एनी वर्क बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर. सो देर इज फियर ऑफ फेलियर ऑल्सो ओवर हियर. देन जंपिंग आउट ऑफ द विंडो, वो वाला भी रूब्रिक आपको समझ में आया होगा इसमें. बट द नेक्स्ट वन सर, जंपिंग आउट ऑफ द विंडो जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है जी. उन्होंने बच्चे ने क्या बोला कि मैं पढ़ाई छोड़ देना चाहता हूँ, मैं एग्जाम तो देना ही नहीं चाहता, मैं तो पढ़ाई ही छोड़ दूंगा. तो एट दिस पॉइंट कि एकदम ही मतलब पूरा का पूरा सरेंडर, पूरा का पूरा छोड़ देना, तो यहाँ पर इस चीज को, इस रूब्रिक को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो नाउ केस नंबर टू. केस नंबर टू इज ऑफ ए क्रॉनिक कॉफ इन अ पेशेंट. तो क्रॉनिक कॉफ जो पेशेंट में है, ही इज अ मैरिड मैन एजेड 39 years old. He is physically he is thin, there is balding also, and he is suffering with chronic cough and diagnosed as chronic bronchitis. He is thin, lean person. तो अभी ये आदमी जब आकर मेरे सामने बैठा, तो basically साथ में accompanying wife was also there. It was a very typical kind of अपीयरेंस. हस्बैंड बहुत पतला सा, और वाइफ वाज वेल बिल्ट मोटी सी. सो दोनों को देखकर मतलब इट वाज नॉट लुकिंग ए वेरी मतलब मैचिंग कपल नहीं लग रहा था. तो बेसिकली यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि अर्जेंटम नाइट्रिकम इज द ग्रीन एप्पल इन अ बास्केट ऑफ रेड एप्पल्स. ओके, ये थोड़ा मतलब मेरा पर्सनल टच है इसमें. इट इज अ लिटिल लाइक दैट, हमेशा से मैंने देखा है. तो अब ये बंदे का स्टोरी जो है, ये बीवी के सामने तो बोलने वाला नहीं है.
मैंने एक्सप्लेनेशन दिया पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मेटाफिजिक्स के बारे में बताया, तो मैंने चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया। फिर मैंने वाइफ से पूछा, तो वाइफ का ज्यादा इनपुट आया नहीं और हस्बैंड ने ज्यादा मुंह खोला नहीं, तो फिर मैं समझ गया, फिर मैंने वाइफ को बाहर भेजा। उसके बाद में फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द मैन, तो देन ही स्लोली स्टार्टेड ओपनिंग अप कि सर मैं कितना भी काम करूं, कितना भी बिजनेस करूं, कितना भी कमा लूं, वाइफ का एक्सपेक्टेशन कभी पूरा होता नहीं। उनका जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ता ही जाता है। अगर चांदी का कुछ लेकर आओ तो उनको सोना चाहिए होता है, जिस दिन सोना खरीद के लाए उस दिन उनको डायमंड की जरूरत होती है। तो कभी भी ये मतलब ये संतुष्ट नहीं रहते, तो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। तो फिर मैं काम किए जाता हूँ ताकि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे कर सकूं। तो इस पॉइंट पर फिर मैंने उनसे कहा कि तो ये बात आपने वाइफ को मुंह खोल के बता क्यों नहीं दी, कि भैया कहीं पर तो संतोष दिखाओ। तो एट दैट पॉइंट स्ट्रेंज काइंड ऑफ आंसर कि ठीक है सर, इसके बाद से हम ऐसा ही करेंगे। तो इसके बाद से हम ऐसा ही करेंगे, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। तो ये चीज आपको अगले केस में समझेगी, ये चीज उस पॉइंट पर मुझे समझी नहीं थी। तो देन फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट यू कैन फेयरली टेक द रूब्रिक्स। आई सपोज ऑलरेडी आपने रूब्रिक्स ले लिए होंगे कि डेल्यूजन डिस्पाइस्ड ही इज, डेल्यूजन फोरसेकन ही इज, डेल्यूजन फेल एवरीथिंग ही विल, डेल्यूजन नेग्लेक्टेड ही और शी इज, डेल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट। किसी भी चीज का एप्रिसिएशन नहीं मिलता है बंदे को। बंदा काम किए जाता है एक्सपेक्टेशन पूरे करने की पूरी कोशिश करता रहता है, पर बंदे को कोई भी ये एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये वोर्न आउट बिजनेसमैन है, वो बिजनेस से वोर्न आउट नहीं हो रहा है बट आईपीआर के कारण वोर्न आउट हो जा रहा है ऐसा। तो बेसिकली इसमें मैं आपको एक और मतलब छोटा सा जस्ट विंडो मतलब देना चाहूंगा कि लाइक इट्स अ स्मॉल स्टोरी कि देर एक जंगल में एक कंपटीशन रखा जाता है कि हम खाना देंगे उस जानवर को जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, क्या परफॉर्म करना है? नहीं, कंपटीशन बराबरी का होना चाहिए ना, देयर हैज टू बी पेयर सिलेक्शन। तो सब लोग सेम एग्जाम देंगे। अच्छा, देर आर टू और थ्री हु हैव रेज्ड हैंड्स, एनीबडी वांटिंग टू आस्क एनीथिंग प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। जिन्होंने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अशोक जी, अनीश जी, सपना जी, देर आर थ्री हैंड्स रेज्ड। सर हो सकता है गलती से रेज हो गया हो। ओके ओके ओके, पर आप कंटिन्यू कीजिएगा, एंड में हम क्वेश्चन का रखेंगे सेशन। ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, तो हाँ, तो फेयर सिलेक्शन हमारा स्टोरी में फेयर सिलेक्शन किया जाएगा। तो फेयर सिलेक्शन किया जाएगा तो क्या टास्क है आपका कि आप झाड़ मतलब एक ट्री को क्लाइम करेंगे। तो ट्री क्लाइम करने के लिए पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? एक मंकी है, एक एलिफेंट है, एक सील है, एक फिश है और एक क्रो है। तो अब आप सोच कर देखिए, यहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम बेसिकली कौन है? अर्जेंटम नाइट्रिकम वो फिश है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर फिश को उसकी
ट्री क्लाइंबिंग कैपेसिटी के अनुसार अगर उसको आप रेट करने का कोशिश करेंगे तो देन यू विल कॉल द फिश टू बी स्टूपिड. हालांकि इट इज नॉट स्टूपिड. तो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट ओवर हियर. दैट इज व्हाट इज द आईपीआर ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम. अर्जेंटम नाइट्रिकम का आईपीआर अक्सर फेस्टिडियस होगा, फॉल्ट फाइंडर होगा, उतना डिप्रेसिंग होगा कि वो अर्जेंटम नाइट्रिकम के नाक में दम कर दे. अब अर्जेंटम नाइट्रिकम यू ही कोई एरा गैरा रेमेडी नहीं है. ओके, इट इज नॉट रियली अ वीक रेमेडी. आई विल शेयर माय स्लाइड शो. तो आप जब स्लाइड शो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोला मैंने. अच्छा, और पेशेंट ने एक रिप्लाई किया है. पेशेंट ने रिप्लाई किया है कि ठीक है सर, अगली बार हम ऐसा करेंगे. तो इसके साथ हम अगले केस पर बढ़ते हैं, केस थ्री. ओके, अब केस थ्री इज ऑफ अ वेटर. ये होटल में वेटर है, अक्सर होटल का ही खाना खाता है. ही इज डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस. इसको जॉन्डिस हो चुका है. द पेशेंट इज येल्लो. ओके, अभी ऐसा आया है मेरे पास. अच्छा, आया है एट दैट पॉइंट ऑल्सो. वो सोबर है ऐसा नहीं है. पीकर आया है. ओके, पीकर आया है, ओपीडी में आके बैठा है. यूजुअली मेरे पास ओपीडी में पीकर आने वाले पेशेंट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. तो ये पेशेंट को देखकर मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया था कि ये पता नहीं अल्कोहलिक है, करेगा क्या. बट आकर बैठा और बेसिकली पेशेंट का बैकग्राउंड ऐसा है कि वाइफ ने ऑलरेडी फोन कर दिया था मुझे कि हस्बैंड आने वाले हैं, अल्कोहलिक है, तो आपने दवाई देनी है जिससे कि उनका प्रॉब्लम छूट जाए, उनका ये जॉन्डिस ठीक हो जाए और एट द सेम टाइम उनका अल्कोहलिज्म का हैबिट निकल जाए. अल्कोहलिज्म का हैबिट छूट जाए. तो पेशेंट आके सामने बैठता है. मैंने उनसे पूछा, ओके बताइए. तो ही वॉज इन हिज ओन ट्रांस, गिविंग हिज ओन रिप्लाईज. तो एक कंफ्यूजन का स्टेट था, कंफ्यूजन ऑफ माइंड दिख रहा था. बट उसके बीच में भी एंगर था. ओके, तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा, आपको इतना सब फिजिकल कंप्लेंट्स है, इतना सब रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, तो व्हाई आर यू स्टिल ड्रिंकिंग, आज भी पीकर क्यों आए हैं. तो व्हाट ही सेड कि मेरी मर्जी, मैं पीऊंगा. आप जितना मना करेंगे मैं और उतना पीऊंगा, मैं मेरे हिसाब से ही चलता हूँ. तो मैंने बोला कि लाइक नाउ आई हैव गॉट दिस बैड हैबिट ऑफ टेकिंग द साइड ऑफ द पेशेंट. ओके, तो मैं पेशेंट के साथ में ही हाँ में हाँ भरने लगता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे निकालना होता है उसके मन में क्या है. तो मैंने बोला, नहीं सही बात है, आदमी ने वैसा ही करना है. हमेशा औरतों का सुनेंगे क्या? ऐसा मैंने पेशेंट से हाँ में मिलाई. तो जब ऐसा बोला तो पेशेंट बोला कि सही बात है, आपको भी शायद मेरे जैसा तकलीफ हो रहा होगा. हर आदमी जिसका शादी होता है उसको ये तकलीफ झेलनी ही पड़ती है, पर मैं ऐसे ही झेल के चुपचाप नहीं बैठूंगा, ऐसा पेशेंट बोलता है. तो माय रिप्लाई फर्दर वाज कि हाँ, हर शादी में तकलीफ तो रहता ही है, आपको क्या तकलीफ हो गया. तो देन एट दैट पॉइंट ही स्टार्टेड सेइंग कि वाइफ इज नॉट सेटिस्फाइड, चिल्ड्रेन आर नॉट सेटिस्फाइड. बच्चों को नया मोबाइल चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फ्लैट स्क्रीन टीवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो सारी चीजें चाहिए. उसके लिए ये आदमी ओवर टाइम भी करता है और ओवर टाइम करके उनकी इच्छाएं पूरी करने के बावजूद उनकी डिमांड्स खत्म नहीं होती है, उनकी डिमांड्स लगी ही रहती है. तो एक पॉइंट तक ये आदमी अपना मतलब सर्वस्व झोंक दिया काम करते करते, बट एक पॉइंट पर जब थक गया तो उस पॉइंट पर फिर इसने एक अलग रास्ता चुन लिया कि अब से मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगा, नहीं सुनूंगा, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा. एंड यहाँ पे द रूब्रिक चेंजेस.
एंड यही कारण था जो पिछला वाला पेशेंट ने बोला था हाँ कि ठीक है सर अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगा, बोल दूंगा। हाँ तो वो बोल दूंगा या अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगा, हाँ ये कहां पर किस दिशा में जा रहा है, हाँ अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, इंगित समझिए। हाँ तो ये डायरेक्शन था एनार्की, द रूब्रिक वॉज एनार्की, बेसिकली अर्जेंटम नाइट्रिकम एनार्किस्ट है। आपको एनार्की शेड में अर्जेंटम नाइट्रिकम मिल सकता है। तो ये पॉइंट पर मैंने तीन ही रूब्रिक लिए थे, एनार्की, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड ही इज नॉट, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। ये तीन रूब्रिक लिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/1 स्टार्ट किया, विद इन 3 डेज पेशेंट का जॉन्डिस उतर जाता है, पेन इन द हिपैटिक रीजन रिड्यूस, और अल्कोहल का आदत जो है वो 3 दिन में छूटने वाली आदत तो है नहीं। तो थर्ड रूब्रिक वॉज एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। सर मॉर्टिफिकेशन किस लिए सर? मॉर्टिफिकेशन अंदर ही अंदर गुस्सा, आप सोचिए ना, गुस्सा जो है जब बहुत ज्यादा हो जाए, कड़वा हो जाए मन में, तब मॉर्टिफिकेशन हो जाएगा ना, उसको मॉर्टिफिकेशन बोलेंगे। Okay, तो दैट वाज द पॉइंट कि मैंने ये पकड़ा। तो आप अभी ये पॉइंट पर जब मैंने ये केस पकड़ा है तो इट वाज ए चेंज इन डायरेक्शन। आप देखिए अर्जेंटम नाइट्रिकम हम लोग अक्सर सोचते हैं, हाँ अभी मैडम ने उसका एक रेगुलर पिक्चर दिया था, हाँ कि उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है, फियर ऑफ फेलियर रहता है, हाँ फिर वो परफॉर्म किए जाता है, फिर उसको फोरसेकन डेजर्टेड फीलिंग रहती है, कंफ्यूजन एक्सेंट्रिसिटी हो जाता है, डिस्टेंसेस एनलार्ज लगते हैं, ऑब्जेक्ट्स एनलार्ज लगते हैं, फिर वो फॉलिंग आउट ऑफ हिज बेड हो जाता है, फिर डेल्यूजन क्रश्ड हाउसेस बाय ऐसे उसको लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया लगता है, ये उसका नॉर्मल पिक्चर है। फॉलिंग आउट ऑफ बेड, मैं फॉलिंग आउट ऑफ बेड पर आने वाला था इसके बाद। तो फॉलिंग आउट ऑफ बेड क्या है, इधर ये जवाब दे देता हूँ। ठीक है, बेड क्या है? बेड वो है जो आपको आराम दे। अक्सर आदमी के लिए बेड क्या होता है, उसके इष्टजन होते हैं, हाँ उसके जो प्यारे लोग होते हैं, उसका फैमिली होता है। हाँ हर हर इंसान के लिए बेड अलग अलग होगा। हाँ तो अभी कंफर्ट जोन, यस राइट, कंफर्ट जोन। हाँ तो वो कंफर्ट जो है, उस कंफर्ट से जब उसे वो कंफर्ट मिल नहीं रहा है तो वो बेड से बाहर गिर रहा है ना। हाँ आईपीआर क्या है, उसका फैमिली है। अब फैमिली अगर आईपीआर पेशेंट का फेस्टिडियस रहेगा, हाँ फॉल्ट फाइंडिंग रहेगा, तो वो सामने वाले को खुश करते करते थक जाएगा ना। तो जब वो थक जाएगा, हाँ तब उसको लगेगा ऐसा कि अरे मैं मुझे जहां पे कंफर्ट मिलना चाहिए, हाँ मैं तो उस बेड से बाहर गिरे जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये डिल्यूजन फॉलिंग आउट ऑफ बेड जो है, ये हमेशा आपको फॉलिंग आउट ऑफ बेड ऐसा नहीं मिलेगा, ये आपको गुस्से में मिलेगा, ये आपको मतलब एंगर का शेड मिलेगा इसमें, कि पेशेंट गुस्से में चिड़के बोलेगा, इरिटेशन में बोलेगा कि सर कितना भी करो, हाँ इनको तो सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। हाँ आप गुलाब लेकर आओ तो बोलेंगे गुलदस्ता क्यों नहीं लाए, गुलदस्ता लेकर आए तो बोलेंगे फालतू में पैसा खर्चा कर दिया, गुलकंद तो लेकर आते। हाँ तो इट इज दे आर हार्ड टू, उसका आईपीआर जो है दे विल बी हार्ड टू प्लीज। हाँ वो संतुष्ट नहीं होंगे, वो संतुष्ट नहीं होंगे, इसी कारण से परफॉर्म करते 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 ये मैनेजमेंट पर्सन जो है, अर्जेंटम नाइट्रिकम एक्चुअली एक मैनेजर है, एक मैनेजमेंट पर्सन है। हाँ ये मैनेजमेंट पर्सन थक जाएगा और फिर बोलेगा कि अब तो आप किसी की नहीं सुननी, अब अपना करना है। ओके नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू शेयर वन मोर क्रूकेड रूब्रिक। ये क्रूकेड रूब्रिक बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये आउट ऑफ द वे रूब्रिक है। फीनिंग सिक यानी नाटक करना, बीमार होने का नाटक करना। तो आप समझिए फीनिंग सिक में अर्जेंटम नाइट्रिकम है, और ये क्यों है
ये समझना जरूरी है। हाँ देखिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम का आईपीआर यानी उसके घर वाले जो हैं वो हमेशा क्रिटिसाइजिंग मोड में रहेंगे। हाँ, तब जब वो क्रिटिसाइजिंग मोड में रहेंगे तो ये बंदा हाँ परफॉर्म नहीं करना चाहेगा, तो ये एनआरकी में जा सकता है। पर अगर एनआरकी में नहीं जाता है तो फिर इसका अंदर का जो डरा हुआ पर्सनालिटी है उसको ये डिल्यूजन हो जाता है कि हर नुक्कड़ पे जहां पे भी जाओ उसको इंजरी होगी। हाँ, इसीलिए उसको लगता है ना कि बिल्डिंग्स विल क्रश हिम। हाँ, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया रहता है, उसको लोगों के बीच में नहीं रहना है। हाँ, पतली गलियों से नहीं गुजरना है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये कि हर रुकड़ पर जिधर जाओगे वहां पर मेरे को सुनना पड़ेगा, वहां पर लोग मुझे मेरी गलतियां ही गिनाने वाले हैं। इसीलिए वो बीमार होने का नाटक भी कर सकता है। ओके, सो दिस कैन बी वन मोर शेड। हाँ, वो वाला केस आज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे एक पावर पॉइंट शेयर करना है। आई जस्ट शेयर स्क्रीन, स्टार्ट शेयरिंग। मैं पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज सर, स्क्रीन शेयर हुआ है? हाँ सर। ओके ओके, तो फाइल मैनेजर अर्जेंटम नाइट्रिक, ओके, सो दिस इज अ क्राइसिस मैनेजर। नाउ इज एवरीबॉडी एबल टू सी द फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन स्लाइड? यस सर, यस सर। हाँ जी, तो ये अभी 37 स्लाइड्स है, इसमें आप लोगों के पास में ये मटेरियल होगा। इट इज जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, ऐसा कोई मेरा इस पे कॉपीराइट नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ यू विश टू, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये क्राइसिस मैनेजर है अर्जेंटम नाइट्रिकम, एंड माइंड यू ये इसमें सिर्फ माइंड मेथड नहीं है, इसमें आपको सेंसेशन मेथड का पूरा अर्जेंटम नाइट्रिकम मिल जाएगा। ओके, इन स्लाइड, इस स्लाइड शो में, बिकॉज आई ब्लेंड ऑल द मेथड्स ऑलमोस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं फॉलो नहीं करता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट स्लाइड, अर्जेंटम नाइट्रिकम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉट दी ओनली कॉइन्स, वर्च्यू टू पासिस करेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो माइंड यहाँ पे आपको समझना है कि सिल्वर एंड गोल्ड दोनों भी वर्चुअस होते हैं। वर्चुअस होते हैं यानी ये सच्चे लोग हैं। अभी इसमें रो फाइव एंड कॉलम नंबर 11 में आता है, पीरियोडिक टेबल में, एंड संकरंस मायाजम सिस्टम के हिसाब से ये कैंसर मायाजम में आता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो अर्जेंटम और सिल्वर, यहाँ पे अर्जेंटम मेटालिकम भी एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम भी, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। पेशेंट्स नीडिंग अर्जेंटम हैव अ क्विक प्रोसेशन परसेप्शन एंड रिएक्शन फॉर द न्यू एंड आर द बेस्ट परफॉर्मर्स। देन वी ऑफन यूज द टर्म सिल्वर टंग्ड फॉर पीपल हु हैव द एबिलिटी और एग्जिबिट द पावर ऑफ फ्लुएंट एंड परसुएसिव स्पीच, एलोक्वेंट, someone also having the skill to express readily, clearly, effectively, able to dazzle with his facile tongue, silver speech। यानी उनकी जबान साफ होती है, उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, जो शब्द इस्तेमाल होंगे वो काफी अच्छे इस्तेमाल होंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ते होंगे तो डॉक्टर सीताराम गोयल करके के नाम से एक हिस्टोरियन है, आप अगर उनका किताब पढ़ेंगे, कोई भी किताब, उन्होंने 22 बुक्स लिखे हैं, आप उनका कोई भी बुक पढ़िए, आप बिना डिक्शनरी का इस्तेमाल किए उस बुक को पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पेज पर आपको 3 से 4 ऐसे शब्द मिलेंगे जो अगली बार इस्तेमाल नहीं होंगे। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम या सिल्वर टंग्ड पर्सन का खासियत होता है, इन लोग अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं। हाँ, तो जब ये पेशेंट एकदम साउंड स्टेट ऑफ माइंड में होता है तो इसका ये एलोक्वेंट है, ये परसुएसिव है, इसलिए बिजनेस क्लास रेमेडी है ये।
हाँ चीयरफुल रेमेडी है। हाँ तो आप देखेंगे कि चीयरफुल रूब्रिक में अर्जेंटम नाइट्रिकम है। अभी फिफ्थ रो क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस। हाँ तो ये क्रिएटिव पर्सन होते हैं, सो दे हैव द नीड टू एक्सप्लोर द न्यू, बी क्रिएटिव, परफॉर्म एंड बी अप्रिशिएटेड, नीड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड कम टू कंक्लूजन, टू एनालाइज, टू इम्प्रोवाइज, टू रिसर्च, टू इन्वेंट, टू डिवाइस, टू स्ट्रेटेजाइज, टू प्लान, टू सॉल्व। सो अर्जेंटम डेवलप्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म एंड देन नीड्स टू मेंटेन दैट कैपेसिटी। तो अभी वो परफॉर्म तो कर लेगा और उसको मेंटेन करने में उसका पूरा का पूरा दम निकल जाता है। नेक्स्ट, द फिफ्थ रो क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस में उसके की वर्ड्स जो होंगे, पेशेंट जब बोलेगा तो ऐसे शब्द आएंगे उसके बोलने में, फाउंडेशन। हाँ जैसे आप इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, बुनियाद, फाउंडेशन इज बुनियाद। हाँ न्यू, चेंज, एप्रिसिएशन, एप्लॉज, क्रिटिसिज्म, गुड ओपिनियन, कॉम्प्लीमेंट, शाइनिंग, क्रिएटिंग, स्किल, रिसर्च, गाइड, अटैक एंड डिफेंस, परफॉर्मेंस, टैलेंट, स्ट्रेटेजी, प्लान, टैक्टिक, सोल्यूशन, प्रॉब्लम, एनालाइज, कंक्लूड, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, इम्प्रोवाइज, इन्वेंट, डिस्कवर, सॉल्व। तो पेशेंट जब बोलेगा ना ये सारी चीजें, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकलेंगे। हाँ तो अभी ये सेंसेशन मेथड में बहुत पेक्यूलियर है, आपको इन शब्दों का मर्म समझना पड़ेगा कि वो किस पर्टिकुलर स्पीयर पर ज्यादा कार है, मतलब या ज्यादा उसका अटेंशन है। हर हर रेमेडी अपनी एक स्पीयर में ही बात करती है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम अपने क्रिएटिविटी के स्पीयर में ही रहेगा, वो इन्वेंटिव ही रहेगा, उस इन्वेंटिव स्पीयर को वो और इम्प्रोवाइज करने का ही कोशिश करेगा, उसमें स्पेशलाइज करेगा, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। उसका काम अक्सर रिसर्च का होगा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस जो है वो क्रिएटिव स्पीयर में है। तो और अक्सर इस कारण से, मतलब सिंस उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहेगा या कभी रहेगा, बट उसका आइडिया ज्यादा डिमांडिंग होगा, इसीलिए उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि इन शब्दों में ही, जितने शब्द आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इतने शब्दों में ही आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं अर्जेंटम को। इलेवेंथ कॉलम में है, तो इलेवेंथ कॉलम का मतलब क्या है? द स्ट्रक्चर स्टैंड्स बाय इटसेल्फ। हां वो बिना किसी के इंटरफेरेंस के खड़ा रह सकता है। हां विल इट मेंटेन इटसेल्फ इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी समय खराब आने पर क्या ये अपने आप को मेंटेन कर पाएगा? नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग हिज और हर सक्सेसफुल पोजीशन, होल्डिंग ऑन टू इट एंड डिफेंडिंग इट अगेंस्ट एनी अटैक्स, they put in a constant effort to maintain that position with a very high degree of performance, fear that at any time they could lose their successful positions, so they are in a constant stage of high stress and tension. To keywords dekhiye kaise hain, maintain, control, hold on, defense, keep up, defend, attack, preserve, ordeal, critical, performance, responsibility, striking। तो इस तरीके के शब्द उन्हें डिस्क्राइब करने में या फिर उनकी बोली में आएंगे। अब 11th कॉलम अर्जेंटम में सक्सेसफुल इन परफॉर्मेंस, बट हियर देयर परफॉर्मेंस इज टेस्टेड। इन ऑर्डर टू मेंटेन द पोजिशन दे मस्ट कीप अप टू देयर स्टैंडर्ड इन एवरी क्रिएटिव वेंचर और परफॉर्मेंस। The feeling is, am I good enough? I will be appreciated only if I perform. अभी मैडम राणा सर ये सुनाई दे रहा है ना? Yes sir, clear. हाँ जी, मैं क्योंकि और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मेरा ही स्लाइड शो दिख रहा है। ओके, तो am I good enough? I will be appreciated only if I perform. तो ये वाली फीलिंग देखिए, ये वाली फीलिंग सेकेंड केस में भी आई, जहां पर वो आदमी जो है वो परफॉर्म करते करते थक चुका है। तीसरे केस में जहां पर एनआरकी था, वहां पर ये ऑलरेडी आदमी थक कर हार चुका है
और इसलिए एनआरकी में चला गया है क्योंकि उसे अप्रिसिएशन मिला ही नहीं है. एनी वन बैड परफॉर्मेंस विल ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम देयर सक्सेसफुल पोजिशन. सो कीवर्ड इज परफॉर्मेंस. अर्जेंटम मेटालिकम सीज हिज सर्वाइवल इन परफॉर्मेंस एंड डिफेंस. और यहाँ पे नाइट्रिकम में क्या हो जाएगा, नाइट्रिकम में पेशेंट एनआरकी में चला जाएगा. हाँ, पेशेंट बहुत जल्दी गिव इन कर देगा कि हार जाएगा, हार मान लेगा. हाँ, हार मान के उसके बाद में फिर उल्टा उल्टा काम करने लग जाएगा. इसीलिए कंफ्यूजन, एक्सेंट्रिसिटी, वो जो मैडम ने बोला कि वो अजीब सा दिखेगा, अजीब सा काम करेगा, वो अजीब सा क्यों है, वो इस कारण से है. अच्छा, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स 10 volumes में आता है. अर्जेंटम मेटालिकम मैंने इसमें लिया है. हाँ, अच्छा, अर्जेंटम मेटालिकम यहाँ पर लेने का कारण है कि यहाँ पर हम सिर्फ अर्जेंटम पार्ट को समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद में नाइट्रिकम पार्ट को भी समझा जाएगा. तो इन हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स इज फाउंड इंक्लाइंड टू टॉक अ लॉट एंड आर्ग्यू विद ग्रेट फैसिलिटी. डिबेट्स अंटिल देयर इज लॉस ऑफ मेंटल पावर एंड एन इनएबिलिटी टू थिंक. A good orator is one who is said to be silver tongued, यानि जिसकी ज़बान चांदी से बनी हुई है. तो चांदी की ज़बान वाला बहुत अच्छा बोलेगा और तब तक डिबेट करेगा जब तक और कुछ बोलने लायक बचा ना हो. Coincidentally, under the mouth section of hearing, we find tongue has a silver coating. तो आप देखिए, माइंड पर है ऐसा नहीं है, फिजिकल्स पर भी हाँ उसका जो कोटिंग होगा वो सिल्वरी कलर का दिखेगा आपको. पर्सन्स हु हैव एन इंक्लिनेशन टू बी चीयरफुल एंड टॉक. तो इसलिए चीयरफुल रूब्रिक में अर्जेंटम नाइट्रिकम है, आप देखिए हाँ आपको मिलेगा. अर्जेंटम मेटालिकम इज नोन टू बी यूजफुल इन प्रोफेशनल सिंगर्स. सिंगिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज एज वेल एज One involving expression, performance and show. अभी शंकरन सर का अर्जेंटम नाइट्रिकम, the main theme of अर्जेंटम is performance and of nitrate is of sudden danger. देखिए नाइट्रेट यानी सडन डेंजर आएगा. The two come together in अर्जेंटम नाइट्रिकम whose main theme is performance in sudden danger or crisis. There is a feeling as if the person will be accepted only if he can perform at the time. There is a feeling of being neglected and despised if he does not perform at the time of crisis. They can be called crisis managers. They are troubleshooters of the highest degree and see their role as that feeling very much neglected or isolated and feeling like a failure if they can't perform in a crisis. It is important for them to keep control in a critical situation and find their way out of the problem. तो उस समय पर आपको मतलब उस समय पर अर्जेंटम नाइट्रिकम से अपेक्षा होती है कि वो सिचुएशन का कंट्रोल ले और फिर उस प्रॉब्लम से अपना रास्ता बाहर निकाले. तो आप इस पॉइंट पर कुछ हद तक शिवाजी महाराज को भी सोच सकते हैं कि उनके सामने प्रॉब्लम्स थे और उन्होंने प्रॉब्लम्स में से अपना रास्ता बाहर निकाला. उन्होंने लोगों के साथ में मैनेजमेंट किया, लोगों को उस मतलब अपने काम के लिए या अच्छाई के काम के लिए इन्फ्लुएंस करके उस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके लोगों को कन्विंस किया. तो दैट वॉज द पॉइंट. बट हालांकि इट इज ए पार्शियल एग्जाम्पल. इट इज अ पार्शियल एग्जाम्पल बिकॉज अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक नेगेटिव साइड भी है जो उनको सूट नहीं करता. आप देखेंगे शंकरन सर ने शिवाजी महाराज को बेसिकली डीडी रेमेडी लाइकोपोडियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम का डीडी रेमेडी जो है लाइकोपोडियम, उससे मैच किया है. सो इफ यू रीड सोल ऑफ रेमेडीज यू विल फाइंड इट. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू कीप कंट्रोल इन अ क्रिटिकल सिचुएशन एंड फाइंड देयर वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम. This is shown in the rubric Fear of Losing Self-Control, which I consider one of the leading rubric of this remedy. In whichever situation self-control is needed, he becomes highly nervous as he lacks it, as during the time of performance and during crisis. अभी Fear of Losing Self-Control के बराबर बाकी के जो rubrics आते हैं, those are Fear of High Places, Fear of Narrow Places,
fear of fear when anticipating an engagement, hurry time to arrive at appointed ये क्या है? जो जो निर्धारित समय है उस समय पर पहुंचने के लिए हड़बड़ी होती है, हाँ, ये पेशेंट रेस्टलेस रहेगा, हड़बड़ी करेगा, हाँ, तो मतलब हड़बड़ी मचाएगा, सब लोगों को हिला के रखेगा कि जल्दी करो ऐसे, हाँ, एंटिसिपेशन होगा, फियर ऑफ फेलियर होगा, डायरिया फ्रॉम एंजाइटी हो सकता है, फियर ऑफ फॉलिंग हो सकता है. सो व्हिचएवर सिचुएशन इन लाइफ रिमाइंड्स अर्जेंटम नाइट्रिकम ऑफ ए ट्रैप aggravates urgentum nitricum persons and they can act impulsively to get out of this trap. The expression they like to use often is there is no way out or I don't see the way out. अभी ये इसके लिए आप actually observational rubric भी ले सकते हैं. अक्सर ऐसे लोग जिनको मतलब रास्ता दिख नहीं रहा हो, वैसे लोग अक्सर आगे बढ़ने से कतराएंगे. हाँ, तो यू कैन कभी कभी इसको हम फियर ऑफ डार्क से कंफ्यूज कर लेते हैं और स्ट्रैमोनियम की तरफ चले जाते हैं. हालांकि स्ट्रैमोनियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत पास पास में है इस क्वालिटी के कारण, तो उनको बाहर जाने का रास्ता सही से दिखते रहना चाहिए. अगर बाहर जाने का रास्ता सही से दिखेगा नहीं तो पेशेंट क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करेगा. क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करेगा यानी उसका दम घुट जाएगा, उस बंद कमरे में, उस छोटी सी जगह में, उस सकरे से छोटे से गलियारे में. ही विल फील सफोकेटेड. सो देर विल बी फियर इन ए क्राउड, देर विल बी फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, देर विल बी फियर इन अ नैरो प्लेस, देर विल बी फियर ऑफ क्रॉसिंग अ ब्रिज, देर विल बी फियर ऑफ टनल्स, देर विल बी फियर ऑफ हाई प्लेसेस, there will be fear of flying in the aeroplane, there will be fear of any place where the exit is blocked. So another situation is the stage. The patients are anxious to go on stage, but when persuaded they feel isolated and trapped, they feel as if they are alone and the exit is blocked. The compensation is to see the way out all the time and to never enter a situation where the exit is not seen. For example, going on a journey only after booking the return ticket. आप सोच के देखिए, हाँ, इस सिचुएशन में, हाँ, कि रिटर्न टिकट जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं जर्नी शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वापस आने वाला हूँ, ऐसा रास्ता मुझे चाहिए. जब तक वो रास्ता नहीं दिखेगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं, और गया तो बीमार पड़ जाऊंगा, जबरदस्ती भेजा तो बीमार पड़ जाऊंगा. आप देखिए, हाँ, अक्सर आप देखेंगे ऐसे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेज में कि द फीमेल मायके से वापस आई नहीं कि अगले बार जाने का प्लान तैयार होता है. क्यों? क्योंकि उनको वापस जाने का मतलब जहां से है वहां तक वापस पहुंचने का आस होता है. अगर वो पॉइंट पर हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं अभी पता नहीं कब जाना है, हाँ, तो उनको वो एग्जिट नहीं दिख रहा है. अगर वो एग्जिट नहीं दिखेगा तो ये यहाँ पर ससुराल में रह रहकर बीमार पड़ेगी, हाँ, क्योंकि उसको उसका एग्जिट ब्लॉक हो चुका है ना. आई होप यू आर गेटिंग इट. मैडम, सबको समझ में आ रहा है? जी जी सर, जी. सो द कॉम्पनसेशन इज टू सी द वे आउट ऑल द टाइम and to never enter a situation where the exit is not seen. उसको बाहर जाने का रास्ता अगर नहीं दिखेगा तो वो अंदर नहीं आएगी. So for example, going on a journey only after booking the return ticket, sitting next to the door in a cinema theater. सिनेमा थिएटर में बैठेगी तो ये दरवाजे के पास में बैठेगी, दरवाजा बंद हो जाए तो उसका दम घुटेगा. On the physical level, urgentum nitricum creates a feeling of intense oppression and claustrophobia. Next, सेट ऑफ रूब्रिक्स फॉर डिस्कशन. तो अभी ये जो है ये जनरल रूब्रिक्स है जिनका डिस्कशन यहाँ पर बनता है. एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, डिल्यूजन कॉर्नर्स ऑफ हाउसेस प्रोजेक्ट सो दैट ही फियर्स ही विल रन अगेंस्ट देम व्हाइल वॉकिंग द स्ट्रीट. अभी यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर रूब्रिक को समझने के लिए आप ऐसे समझें
कि उसके आईपीआर ने उसको इतना टॉर्मेंट, अर्जेंटम नाइट्रिकम के आईपीआर ने उसको इतना टॉर्मेंट कर दिया है कि उसे ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है यानी डिल्यूजन है कि वो जहां पर जाएगा वहां पर नुक्कड़ नुक्कड़ पर हर गली में उसमें कोई खामी निकालने वाला उसे मिल जाएगा, उसे हर्ट करने वाला उसे मिल जाएगा. सो कॉर्नर्स ऑफ हाउसेस प्रोजेक्ट सो दैट ही फियर्स ही विल रन अगेंस्ट देम व्हाइल वॉकिंग इन द स्ट्रीट. यहाँ पर भी उसे ऐसे ही लगेगा कि उसकी गलती के कारण उसने कॉर्नर को जाकर मार दिया. ऐसे तो डिल्यूजन डेजर्टेड फोरसेक या फोरसेकन डिल्यूजन डिस्पाइस्ड ही इज. डिस्पाइस्ड ही इज यानी घृणा की नजरिए से देखा गया है उसे. क्यों? क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस मीट करना था उसे मीट नहीं कर पाया. डिल्यूजन प्लेस ही कैन नॉट पास सर्टन एक्साइटमेंट एंटिसिपेटिंग इवेंट्स व्हेन. तो यहाँ पर जो एंटिसिपेटरी एंजाइटी है कि ये चीज हमें ये मुझे सपोज चाइना जाना है, तो चाइना जाना है, रिटर्न टिकट भी आ गया हाथ में, एग्जिट मुझे दिख रहा है, पर फिर भी अगर मुझे बोला गया है कि 11 बजे मेरा फ्लाइट है, तो जब तक मैं एयरपोर्ट पहुंच ना जाऊं हड़बड़ी मचाऊंगा, हरी करूंगा. वहां पर पहुंचने के बाद में भी जब तक फ्लाइट में नहीं बैठ जाता तब तक एंटिसिपेशन चलता ही रहेगा मन में. पता नहीं अंदर जाने देंगे नहीं देंगे, पता नहीं मेरे डॉक्यूमेंट सही होंगे नहीं होंगे, पता नहीं मेरे लगेज में से क्या फेंक देंगे. तो ऐसे इसका ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग इवेंट्स, एंटिसिपेशन ऑफ इवेंट्स चलता ही रहता है. फियर क्रॉसिंग अ ब्रिज और प्लेस ऑफ, तो ये उसका फ्लाइट में जाने तक वो ब्रिज ही हुआ, वो ब्रिज क्रॉस करने में उसे डर महसूस होगा. एंटिसिपेशन स्टेज फ्राइट, फियर डायरिया फ्रॉम, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ बीइंग लेट, फियर इन नैरो प्लेसेस. अभी देखिए यहाँ पर फियर ऑफ बीइंग लेट क्यों है. उनका फियर ऑफ बीइंग लेट यहाँ पर होना बनता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई काम सही से नहीं करता, उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होता, क्योंकि उसके आईपीआर ने कभी उससे सेटिस्फेक्शन जताई ही नहीं होती. व्हेन यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड दैट द आईपीआर इज अ फॉल्ट फाइंडर, योर पेरेंट्स विल फाइंड फॉल्ट विद यू, योर हस्बैंड विल फाइंड अ फॉल्ट विद यू, तो सभी आपसे फॉल्ट ही निकालते बैठते हैं. कभी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला है तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मैं देरी से ना पहुंचू. तो ऐसे होता है. फियर ऑफ ऑर्डियल्स, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, फियर अंडरटेकिंग एनीथिंग, कोई भी काम लेने के पहले उसे डर लगा रहेगा. मुझे खाना पकाना है, खाना पकाने को बोला है सास ने, पता नहीं अच्छे से पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी. हालांकि उसने पकाया हुआ होता है वही चीज, पर अब सास के लिए पकाना है, ससुराल के लोगों के लिए पकाना है, इसलिए फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग रहेगा. क्यों? क्योंकि आईपीआर इज मोर डिमांडिंग, आईपीआर इज मोर डिमांडिंग, दैट इज द रीजन व्हाई शी विल हैव ऑल दीज फियर्स. बिकॉज इट इज एन ऑर्डियल कुक एट दैट पॉइंट. इवन फॉर ए वेरी एक्सपर्ट कुक दैट कुकिंग विल बिकम एन ऑर्डियल. एक डिफिकल्ट काम बन जाएगा वो, तो वो ऑर्डियल बन जाएगा, इसीलिए उसको फियर लगेगा उसका. हाई प्लेसेस एग्रेवेट, हरी टाइम, हरी टू अराइव फॉर अपॉइंटेड, हरी वॉकिंग वाइल, टाइम पासेस टू स्लोली अपीयर्स लॉन्गर, अंडरटेक्स नथिंग लेस्ट ही फेल, एंजाइटी टाइम इज सेट इफ ए सस्पेंस एग्रेवेट्स. अभी ये सस्पेंस एग्रेवेट्स ये वाला जो रूब्रिक है ये मैंने इसमें से लिया है, फाटक सर की रेपर्टरी से लिया है, और आज के स्लाइड शो में एचएल चितकारा सर के रूब्रिक्स नहीं ले पाया हूं मैं, तो वो आपको अपडेट होकर मिल जाएगा बाद में जब मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप पर. क्लार्क्स डिक्शनरी बहुत ही सिमिलर पॉइंट्स है. क्लार्क्स डिक्शनरी में आपको सारा का सारा डिटेल एक साथ में विदाउट रेपिटिशन मिल जाता है. मेंटल एंजाइटी, वेरी इम्पल्सिव, ऑलवेज इन अ हरी बट एकम्प्लिशेस नथिंग, इन कंटिन्यूअल मोशन ही वॉक्स फास्ट,
hurries restlessly to fulfill engagements, fears to be late when there is plenty of time. Melancholic does not undertake anything lest he should not succeed. Impulse to throw herself from the window. देखिए, याद करिए, पहले केस में लड़का wanted to throw himself out of the window. हाँ, window क्या होता है? Basically exit होता है, उस room का exit होता है. हाँ, भले proper exit ना हो, but उस room से निकलने का एक रास्ता होता है. अब वो रूम उस बच्चे के लिए क्या था, उसका एजुकेशन उसके लिए वो रूम बन गया था जिसके अंदर वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा था. क्यों क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा था? क्योंकि उसका आईपीआर बहुत ज्यादा डिमांडिंग बन चुका था कि तुझे फर्स्ट ही आना होगा. तो वो उसका दम घुट रहा था, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा था. उसको एग्जिट पॉइंट विंडो मिला. विंडो यानी क्या? पढ़ाई छोड़ देना. इसलिए वो जंप आउट ऑफ द विंडो, थ्रो हिमसेल्फ आउट ऑफ द विंडो. हाँ, इसका इंपल्स आया उस बच्चे में. आई होप एवरीबडी इज विद मी. जस्ट लिटिल मोर. हाँ मैडम, सबको समझ आ रहा है ना? जी जी. हेलो हेलो सर. हाँ जी हाँ. पढ़ाई का छोड़ देना, विंडो से जाना, ये थोड़ा समझ नहीं आया, प्लीज बताए. मैडम विंडो कहाँ पर होता है? मतलब विंडो यानी कि मेरा जहां तक समझ है कि एक दरवाजा, यानी कि पूरी तरह से एग्जिट होना. तो पढ़ाई छोड़ना पूरी तरह से एग्जिट होना है, जबकि विंडो से हम कुछ चीज के लिए भाग. डेफिनेशन दरवाजा या विंडो हो, आपको अगर मैंने विंडो से बाहर फेंक दिया या दरवाजे से बाहर लताड़ दिया, हाँ, दोनों ही जगहों पर आप रूम से बाहर निकल गए. ओके. है कि नहीं? हाँ, इफ आई थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो और इफ आई थ्रो यू आउट ऑफ द डोर, हाँ, यू आर गोइंग टू फाइनली गो आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द रूम, राइट? अर्जेंटम नाइट्रिकम को वो रूम के अंदर रहना नहीं होता. अभी वो रूम उसके लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज जहां पर उसका दम घुटता हो. तो इसीलिए क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना. ओके. यहाँ पे विंडो शब्द क्यों लिया गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था. मैम, विंडो शब्द फॉर ए वेरी सिंपल रीजन कि उसको एग्जिट चाहिए. उसको वो अभी एग्जिट, वो सही वाला एग्जिट हो या गलत वाला एग्जिट हो, अक्सर एग्जिट गलत ही होगा ना. विंडो इज अ रॉन्ग एग्जिट ऑफ द रूम, करेक्ट? कोई विंडो से आना जाना तो करता नहीं है. हाँ, तो अगर आप विंडो से बाहर जा रहे हैं, मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं. अभी पढ़ाई छोड़ देना गलत दिशा है ना. हेलो सर, इसको हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं, जैसे एस्केप. हाँ जी, हाँ, बिल्कुल शॉर्टकट भी कह सकते हैं. ही तो है शॉर्टकट, ही तो है. तो वो शॉर्टकट से वो बाहर निकल जाएगा ना. शॉर्टकट से बाहर निकल गया वो, उसने पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन ले लिया. हाँ, छोड़ने का डिसीजन ले लिया. आप इसमें एनर्जी भी देख पाएंगे. सर, कैन आई इंटरफेयर इन दिस? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. सर, यहाँ पर जब हमने कहा है ना कि एक अर्जेंटम जो होता है वो इम्पल्सिव होता है, और इम्पल्स में वो गलत ही निर्णय होता है, सोचा समझा निर्णय नहीं होता है इम्पल्स. तो जैसे इम्पल्स टू थ्रो हरसेल्फ आउट ऑफ द विंडो या जंप आउट ऑफ द विंडो, तो जब अगर वो आपने जंप कर दिया विंडो से बाहर, तो आप मर जाएंगे. देयर इज अ फियर ऑफ इंसैनिटी आल्सो व्हिच इज अराइजिंग. वो जानता है कि अगर ये मैंने कर दिया तो ये गलत निर्णय होगा. अगर आप दरवाजे से बाहर जाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, आप विंडो से कूद जाएंगे तो आप मर जाएंगे, आपको लग जाएगी, मर जाएंगे. सेंस यू विल हर्ट योरसेल्फ. राइट. सो दैट इज द वे व्हाट आई अंडरस्टैंड द विंडो मींस हियर. इफ यू गो आउट ऑफ द रूम बाय द डोर, यू आर नॉट गोइंग टू हार्म योरसेल्फ. बट अगर आपने विंडो से कूद गया, ये बात आपकी सही है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वहां उसका इम्पल्स नहीं है. यहाँ पर बहुत कैरेक्टरिस्टिक है इम्पल्सिव नेचर, जो आपको दूसरे रेमेडीज में नहीं दिखेगा. यहाँ पे इम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहाँ इम्पल्स आएगा वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है. राइट. इसीलिए वो विंडो है, इसीलिए वो डोर नहीं है.
इसीलिए मतलब वो अचानक से इंपल्स की वजह से वो जो भी दिखेगा उससे एग्जिट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है. मतलब दरवाजे से बाहर जाना यानी एक सोची समझी और ठहराव के साथ, इंपल्स है इसलिए विंडो ना. यहाँ अगर आप विंडो सेंस में समझती हैं तो ये सेंस बहुत क्लियर कट आता है, जो कि बाकी स्टॉलवर्ड्स में भी ये दिखाई देता है कि दे आर स्पेसिफाइंग इट एज अ विंडो नॉट अ डोर. तो दैट इज अ इंपल्सिवनेस इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से. और वहां उसको समझ में आता है कि जो मैं करता हूँ इंपल्स में वो कुछ गलत हो सकता है या गलत हो जाएगा. तो विंडो मीन्स इंपल्स नहीं, सोची समझी हुई. डोर मीन्स यहाँ मतलब ये मैं उसको एज एनालॉग समझने की कोशिश कर रही हूँ. जब आप डोर और विंडोज की बात पे ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में ये बात आई है. That's what I have understood with this. एक चीज और भी हो सकती है मैम, मैं थोड़ा बताऊं. जी सर. हाँ, जैसे अगर आप विंडो से जाते हैं तो कंप्लीट एग्जिट होता है, डोर से जाते हैं तो वापस एक बैक करने का चांस रहता है, तो ये इससे पूरा छुटकारा पाना चाहता है, इसीलिए विंडो से जाना चाहता है. क्या बात है, वेरी गुड. अच्छा ओके, उसका दम घुटता रहता है और पूरी तरह से बाहर जाना चाहता है तो विंडो से वापस आ नहीं जाए. ओके too much, ये भी सोच सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं, काफी देर हो रही है. फ्रीक्वेंट एरर्स ऑफ परसेप्शन, मिस्टेक्स, डिस्टेंसेस, फियर्स, हाउस कॉर्नर्स, अब ये कॉमन ही था. टाइम सीम्स टू पास वेरी स्लोली, एप्रीहेंशन व्हेन रेडी टू गो टू चर्च और ओपेरा, ब्रिंगिंग ऑन डायरिया, तो ये इरिटेबल बबल सिंड्रोम जैसा हो जाएगा. Easily angered or excited, anger brings on symptoms, cough, pain, etc. Profound melancholy, imagines if left alone will die, apprehends incurable disease of brain, nightly nervousness with heat and coolness in the head, nervous, faintish and tremulous sensation, awful faces appear on shutting eyes, apathy. Mental operations sluggish, thought requires effort, complete loss of consciousness, memory impaired, cannot find the right word, building castles in the air by day, monstrous visions by night. Okay, SR Patak, Patak sir ka Materia Medica. Tormented by strange ideas and emotions, nervous, impulsive and hurried, yet timid and anxious. Fearsome, dreads ordeals, fear of impending evil, of crowds, passing at certain point, of high building, of dark, and hesitates, falters in speech, in gait, in erection, etc. Loss of ambition, believes that he is despised by his family, that all his undertakings will fail, despondent, melancholy. Impulse to jump when crossing a bridge or from a window, brain fag, loss of memory. फिर से देखिए window ही है. Time passes slowly, time seems short, wants to do things in a hurry, must walk fast, etc. Weeps, says he is lost beyond hope, everything seems changed, irrational, does strange things and comes to strange conclusions, does foolish things. Incoherence, childish talk, talks about his sufferings, remains in bed with cripple indisposition. Nash mein itna hi tha. Impulsive, time goes too slow, must walk fast. Apprehension, on getting ready for church and opera, etc. He has an attack of diarrhea. Okay, grunse. We think of this remedy on seeing a withered and dried up person made so by disease. He looks like a little withered old man
it is one of the best remedies for hypochondriasis. The sight of high houses makes him dizzy and causes him to stagger. It seems as if the houses on both sides of the street would approach and crush him. When walking in the street, he dreads to pass a street corner because the corner of the house seems to project and he is afraid he will run against it. Impulsive, must walk very fast, always hurried. Apprehension when ready to go to church or opera brings on diarrhea. अभी यहाँ पर वो जो high houses हैं, वो high houses पता नहीं metaphorically हम ऐसे शायद ले भी सकते हैं कि वो parents की ऊंची अपेक्षाएं हैं, जैसे first case में था, जिसके कारण वो dizzy feel करेगा, stagger करेगा. और उनकी ऊंची अपेक्षाओं के बीच में वो क्रश होकर रह जाएगा. तो इस तरीके से उसको मेटाफरिकली लिया जा सकता है. ओके, पुलफोर्ड, पुलफोर्ड में लिखा गया है, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज ट्रेम्यूलस, वीक, नर्वस, रेस्टलेस, साइज हैज पाल्पिटेशन, क्रेव शुगर विच मेक्स वन सिक एंड एक्ट लाइक अ साइकिक एंड ब्रिंग्स ऑन डायरिया, इज एंशियस, इंपेरेटिव, हरीड, फिजिटी, फियर्स बोथ डेथ एंड फेलियर. देखिए उसको फियर ऑफ डेथ भी है और फियर ऑफ फेलियर भी है. इज एंशियस फॉर द टाइम टू कम व्हेन ही हैज टू मीट एन एंगेजमेंट, इज एस्पेशली नर्वस अराउंड 11 AM, हैज वर्टिगो ऑन लुकिंग एट टॉल बिल्डिंग्स, शी स्लीप इज प्रिवेंटेड बाय नर्वसनेस, देयर इज एग्रेवेशन फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट, गोइंग टू द ओपेरा, वार्म रूम, हीट ऑफ द फायर और बेड in the summer and in women during the menses, drowsiness of stupor with dilated pupils, convulsions and epilepsy, restlessness during the interval, restless and trembles before the attack, pupils dilated after the attack, restless, hands tremble. मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि mild symptoms के साथ में epilepsy के symptoms ले लिया करूँ, क्योंकि convulsions, epilepsy, ये पेशेंट्स जो होते हैं ठीक करना अक्सर मुश्किल होता है और पेशेंट टिकता नहीं है मेरे पास. ओके, नेक्स्ट, साइरस मैक्सवेल बोगर, ओल्ड, ड्राइड अप, ट्रेम्यूलस एंड वीक, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन, कंजॉइंड मेंटल एंड डाइजेस्टिव सिम्टम्स, स्ट्रेंज आइडियाज और इमोशंस, नर्वस, इम्पल्सिव एंड हरीड, येट टिमिड एंड एंशियस, ड्रेड्स ऑर्डियल्स, इम्पेंडिंग ईवल, passing a certain point, dark, etc., faltering speech, gait, erections, etc. तो अक्सर हम बोगर सर के राइटिंग्स में बॉडी मेथड ही सबसे प्रमुख था ऐसे जानते हैं, बट और रेपर्टरी में इसी तरीके से पढ़ाया गया था हमें, बट अगर आप उनके राइटिंग्स देखेंगे तो बोगर सिनॉप्टिक की में आपको ऐसे सिम्टम्स मिल जाएंगे. बोगर सिनॉप्टिक की लिखने के लिए उन्होंने तकरीबन 16 साल लगाए थे. बहुत छोटी सी किताब लिखने के लिए 16 साल लगाना मुझे थोड़ा सा अहम लगा, क्योंकि बिल्कुल उसके अंदर जो सिम्टम्स होंगे वो पूरी तरीके से वेरीफाइड होंगे, इसलिए ये सिनॉप्टिक की में से मैंने लिया था. केंट सर का पढ़ने से मैं आई विल सजेस्ट की आप पावर पॉइंट को एंड को रीड कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा केंट सर का मतलब नोट्स है, माइंड के नोट्स है फ्रॉम केंट्स लेक्चर्स. तो केंट लेक्चर का ऑलरेडी मैडम ने लिया था एक्सट्रैक्ट, तो मैं उसको स्किप करता हूँ. लास्ट, रेडार नोट्स, रेडार की नोट्स जो है, एक्सट्रोवर्ट, ओवर इमोशनल, कैन नॉट हाइड हिज फीलिंग्स, sympathetic, desires company to express feelings, vivid imagination, impulses, mental weakness, anxiety about health, fear of being alone, fears of heights, crossing bridges, claustrophobia, fainting, disease, fear of fainting, fear of disease, fear of hospital and fear of death, anticipation, hurry, feels he lacks time, मतलब उसको लगता है कि समय कम है, anxiety neurosis with irrational behavior, compulsive neurosis, suggestible, superstitious, fixed ideas, weak memory and brain fat. So with that
वी कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन.